अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं सब में पहले तो आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि इतने दिन तक मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मुझको क्वारंटाइन किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक है और मैं जो है नेगेटिव हो गया हूँ, तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों को बोर करने। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होते होंगे। तो आज जो है मेरी बकरीद की वीडियो भी मुझसे जो है ना मिस हो गई, मैं बना नहीं सका। मुझको जो है सलाटर हाउस के ऊपर वीडियो बनानी थी कि आफीफ के अंदर जो सलाटर हाउस है, जहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बकरा मंडी की विज़िट की थी, तो उसके अंदर मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं जो है एक वीडियो सलाटर हाउस पर इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो वो मुझसे नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह अगली बार मौका मिलेगा तो मैं सलाटर हाउस, क्योंकि वो सलाटर हाउस जो है सिर्फ बकरीद के टाइम पे नहीं खुलता है, वो आफीफ के अंदर साल के 12 महीने जो है खुला रहता है। तो इंशाल्लाह आपसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आफीफ के मुतालिक, जहाँ पे मैं हूँ रियाद रीजन में, आफीफ बोल के एक वो है शहर है, हाँ मैं इसको शहर बोलूँगा क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं जनाब अफजल साहब, वो जो है कई सालों से आफीफ में है और वो नाराज़ हो गए थे मुझसे कि तुमने जो है आफीफ को गाँव क्यों कह दिया। तो इंशाल्लाह मैं अभी जो मैं आया हूँ, ये एक एनजीओ है आफीफ के अंदर, जहाँ पे जो है यतीम मिस्कीन लोगों की जो है मदद की जाती है। एक हेल्पिंग फाउंडेशन है आफीफ के अंदर, जो ज़रूरतमंद लोगों की जो है ना यहाँ पे मदद की जाती है। तो ये सिस्टम जो है मुझको यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि लोग जो है पर्सनली इंडिविजुअल जो है ना लोग जो है ना दूसरों की जो मुस्तहिक लोग है उन लोगों की जो है ना मदद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि, तो यहाँ का जो है सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आदमी जो है यहाँ पे जो लोग जो है अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली जो है ना वो किसी को देंगे, है ना। तो लेने वाले को भी ऐसा से कमतरी होंगी, देने वाले को जो है ना गुरूर होगा कि मैंने हेल्प किया, है ना। इस्लाम का जो ये सिस्टम है कि जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, है ना। और बैतुल माल का जो सिस्टम इस्लाम के अंदर है वो इसीलिए है ताकि जो है देने वाले को गुरूर ना हो और लेने वाले को शर्मिंदगी ना हो। तो मैं आज जो आया हूँ इसी तरह की एक एनजीओ है जिसका नाम जो है जमीयतुल खैरिया, इस नाम से जो है ना कहा जाता है। तो ये पीछे जो है अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सिस्टम है, लोगों को यहाँ पे जो है अनाज दिया जाता है और सर्दियों के टाइम पे कंबल दी जाती है, पूरे महीने का राशन जो है इस तरह की एक किट बनी हुई है जिसके अंदर जो है पूरे महीने का राशन दिया जाता है। और जब गर्मी आती है तो खजूर आते हैं वो लोगों के अंदर तकसीम की जाती है। रमज़ान में जो है खेमे लगाए जाते हैं ताकि जो खारजी है, जो आउटसाइडर्स है, जो अपने रूम पर जो है इफ्तार नहीं कर सकते, वो जो है यहाँ पे इफ्तार कर सकें। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, कुछ लोग हैं सऊदी है, हम उनसे भी बात करेंगे। मुझको अरबी तो इतनी ख़ास आती नहीं है, तब भी मैंने उनको टूटे फूटी अरबी में जो है समझाया हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जो है अरबी में थोड़ी डिटेल देंगे। तो सुनिए, अरबी भी जो है ना एक शीरीन ज़बान है जिसके अंदर मिठास पाई जाती है, बड़ा मज़ा आता है अरबी सुनने के लिए और बोलने के लिए तो और मज़ा आता है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि अभी एक साल तो हुआ है, उसके बाद मैं भी जो है अरबी बोलने लगूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये जो है जमीतुल खैरिया का बोर्ड है, कई सालों से जो है ना ये यहाँ पे काम चल रहा है इस तरह का। ये रियाद से मुंसलिक है, ये बहुत बड़ी एक एनजीओ है जो है पूरे सऊदी में चलती है। ये रियाद से मुंसलिक है, यहाँ की ब्रांच है ये। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। पहले मैं आपको विज़िट करा देता हूँ पूरे इस एनजीओ के ऑफिस की, है ना। तो यहाँ पे लोग आते हैं और उनकी जो है ना हर तरह की हेल्प, जैसे यतीम है उनका कफाला लिया जाता है, और जो है अलग अलग तरह की जो है ना मदद बैतुल माल के ज़रिए जो है, जिस तरह का बैतुल माल का सिस्टम होता है उसी तरह का ये सिस्टम यहाँ पे काम किया जाता है। ये देखिए, मैं अभी अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये जो है इस्तकबाल है, यहाँ पर लोग आते हैं, इस तरह के काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किए जाते हैं। ये मुदीर का जो है मकतब है, अभी तो कोई है नहीं, इंशाल्लाह जैसी जो भी आता है
तो मैं जो है उनसे डिटेल लेके थोड़ा सा उनका एक इंटरव्यू जो है मैं कर लूँ, है ना, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आ जाए। ये सब बोर्ड जो है अरबी में है ना। ये जो है देखिए बैंक की डिटेल्स है, जमीयतुल बैरा खैर आफीफ, है ना, ये बैंक की डिटेल्स है कि आम मदद लोगों को करना है। जैसा पहला ऑप्शन दिया है आम लोगों के लिए, तो अकाउंट नंबर है। अगर आपको ज़कात देना है तो उसके बाद दूसरा नंबर ज़कात के लिए जो है अकाउंट नंबर दिया गया है। फिर गैर ज़कात है, अगर आपको ज़कात के अलावा कुछ ऐसी आम मदद करनी है तो आप जो है वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर सदका जारिया के लिए है ना, जैसा अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि इंसान जो है अपने साथ सिर्फ अपने अमाल लेके जा सकता है, तो सदका जारिया जो है एक ऐसी चीज़ है कि आदमी जो है मरने के बाद भी जो है ना वो उसके अंदर उसको उसका सवाब मिलता रहता है ना। जैसा कुआं लगा देना, मदरसे खोल लेना, है ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो जो है सदका जारिया में आती है। उसके दिया है कफाला यतीम, देखिए एक यानी एक जो बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं और वो यतीम है ना, तो ये कितना बड़ा काम है कि जमिया जो है ऐसे लोगों का कफाला लेती है ना। उसके बाद है मुतल्लकात, यानी जो औरतें हैं जिनकी जो है तलाक हो गई हैं उनके लिए जो है उनकी मदद करना, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगी, है ना, किस तरह उनका खर्चा होगा, रोज़मर्रा का खर्चा, इस तरह की मदद जो है यहाँ से किया जाता है। अब उसके बाद तमाम जो है अरबी में है, वो उसका मतलब मुझको नहीं पता है। ये देखिए ये भी एक बोर्ड है, इस तरह से जो है ना लोगों को तरगीब दी जाती है बोर्ड लगा के, ताकि जो है ना लोग उसके ऊपर आमादा हो, है ना। ज़्यादा नहीं है यहाँ का, 200 रियाल शहर है, महीने पे 200 रियाल जो है ना इन लोग ने तय किया है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो 200 रियाल आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। अभी मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिस है, बड़ा अच्छा बड़ा मकतब है, ये बड़ा ऑफिस है, तो चलिए मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ये नेकी के काम है कि अल्लाह ताला जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना आफीफ़ के अंदर, कोई ये वीडियो देख के जो है जिनको नहीं पता हो वो जो है मैं छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मालूमात यूट्यूब पे शेयर करके, ताकि लोग ये वीडियो देख के जो है यहाँ पर आए, है ना, और जो साहिब इस्तेतात है, जो लोग साहिब इस्तेतात है वो जो है इस काम में हिस्सा ले, है ना। तो मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला जो है मुझको इसका अज्र दे, जो मेरी हैसियत है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। अभी मैं जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इस तरह के बोर्ड जो है ना यहाँ पे लगे, ये बाहर रखे जाते हैं, लेकिन अभी जो है ना ऑफिस खुला है जस्ट, बता हूँ चलो ऊपर चल के भी जो है ना आपको पूरा मकतब दिखाता हूँ कि किस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है, और बड़े पैमाने पे तकरीबन जो है महीने में, रमज़ान में, मैं पिछले रमज़ान में मैंने देखा था कम से कम 200 से 300 लोगों को जो है यहाँ पे राशन दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्दियों के टाइम पे कंबल दी गई है, 500,000 कंबल जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यहाँ पे, समझे आप। ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ है, ये ऑफिस है यहाँ पे एक मजलिस इदारियात। अब हम आगे इस्लाम के अंदर जिस तरह से जो है बैतुल माल का निज़ाम है कि इंसान जो है ना इंडिविजुअली जो है ना किसी की कर सकता ना, कर सकता है करने के लिए, लेकिन इंसान के अंदर जो गुरूर आ जाएगा, उसके अंदर अना आ जाएंगी कि वो अगर किसी को दे रहा है, अगर वो मिस्कीन है यतीम है, तो उसको जो है ना शर्मिंदगी महसूस होंगी कि मैं जो है किसी से हेल्प ले रहा हूँ, और देने वाले को जो है ना उसके ऊपर गुरूर आ जाएगा। तो इसलिए जो ना इस्लाम ने बैतुल माल का सिस्टम रखा है कि आप जो है अपनी रकम जो है अपना पैसा अपना फलूस जो है एक इदारिये में जमा कीजिए, और वहाँ से जो है मिस्कीन यतीम लोगों की मदद की जाएंगी, जो ज़रूरतमंद लोग है ना। तो ये निज़ाम जो है बड़ा ही खूबसूरत है, इस्लाम का निज़ाम जो है, और सऊदी के अंदर जो है इसी निज़ाम के ऊपर लोग जो है ना अमल करते हैं और उसी के अंदर कोशिश में लगे रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तमाम ऑफिस हैं, कई स्टाफ हैं यहाँ पे,
जो सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक खिदमत खल्क है ये जो यहाँ पे काम हो रहा है। एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये खिदमत खल्क है, लोगों की मदद करना और लोगों की ज़रूरतों को पूरी करना, कि एक इंसान की, एक फैमिली की जो है क्या क्या ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को महसूस करते हुए जो है ये इदारा, ये जमिया जो है ना, उसके ऊपर काम करता है और लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये किचन है, यानी लोग यहाँ पे आते हैं, गावा चाय उनको जो है दिया जाता है। और ये हमारे जो है बंधु भाई हैं, सबतुल्ला नाम है इनका। सबतुल्ला भाई, कई साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 4 साल हो गया। चार साल से आप काम कर रहे, तो यहाँ पे किस तरह का काम होता है? हा? क्या काम होता है यहाँ पे? हाँ, गाड़ी आप बंगाली में बोल सकते हैं, बांग्लादेशी में बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। बंगाली अच्छा, जो वो आता है जो अनाज का जो मस्तूदा के अंदर दिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? सामान आता है, जैसे उसके अंदर तेल होता है, उसके अंदर जो है चाय की चीनी है, चावल है, दूध है। तो कितने लोगों को ये तकसीम किया जाता है, कितने लोगों को दिया जाता है? 500,000 लोगों को तकसीम किया जाता है, 1,000-2,000 लोगों को। माशाल्लाह, जजाकल्ला सबतुल्ला भाई। ये हमारे भाई बांग्लादेश से हैं और 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गया है। इससे पहले और हमारे दो भाई थे, एक हिंदी एक पाकिस्तानी, वो जो है फारिग हो गए हैं यहाँ से, अल्लाह जो है आसानी करे। तो अभी जो है यहाँ के जो मुदीर है, मुतलक नाम है उनका, वो जो है अभी इंशाल्लाह वो जैसी आते हैं तो एक छोटा सा इंटरव्यू अरबी में जो है ना उनसे किया जाएगा, है ना। जिस तरह से अभी सबतुल्ला भाई ने हमको बताया कि यहाँ पे जो है किस तरह से वो काम करते हैं और क्या क्या अनाज जो किट दी जाती है, जो अनाज की राशन की किट दी जाती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तकरीबन चीज़ें होती हैं मैंने देख चुका हूँ। और जो है उसके अंदर तेल होता है, चाय की पत्ती, शक्कर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ये देखिए एक बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड यहाँ पे भी है, ये देखिए इस तरह से जो है ना ये बोर्ड लगा के लोगों को इसके ऊपर आमादा किया जाता है कि वो जो है ना इस कार्य खैर में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो है लोगों की मदद करें। जज़ाकअल्लाह। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारे जमिया के जो मुदीर है, यहाँ के जो हेड हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो अरबी में कहेंगे तो इंशाल्लाह। अरबी जो है बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, जिसके अंदर जो है शीरिंग पाई जाती है और बड़े से बड़े जुमले जो है ना छोटे से जुमलों में ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है अरबी सुनने के लिए। तो ये तमाम मालूमात जो है हमें अरबी में देंगे तो इंशाल्लाह हम इनसे इस्तेफादा करते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम। अब हाल क्या मुदीर? अशर अलहिना याना कुल्लू अफी हिना फी जमिया। بسم الله الرحمن الرحيم. تأسس الجمعية عبيف منذ ما يقارب 30 سنة، وتخدم فيها غالية علينا الأسر المحتاجة وكفالة اليتيم والأرامل المطلقات، وتقديم مساعدات عينية ومالية، مبالغ مالية شهرية ومواد غذائية تشمل كسوة العيد والسلة الرمضانية. وتقوم الجمعية بتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ويوجد لدى الجمعية العديد من الأنشطة الدورية مثل مساعدة الزواج وإيجارات المستفيدين، وتقدم الجمعية العديد من الخدمات الأخرى مثل المساعدات المالية للحالات الطارئة. هذه نقطة بسيطة عن ما تقوم به الجمعية في عدالة. أيوة، شكرا مدير، جزاكم الله.